गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज है संडे 17th ऑफ मे एंड टुडे इज माय बर्थडे आल्सो। अगर विश करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हो। एंड हियर इज गौरव। हाय। आज मेरा बर्थडे है बट हम कुछ खास कर नहीं रहे हैं बिकॉज अभी बाहर का खाना पीना भी नहीं है, आप कहीं बाहर ज़्यादा जा भी नहीं सकते हो एंड मेरा घर पे कुकिंग करने का भी कुछ खास मूड नहीं है। सो अगर मुझे शाम को 5 मिनट्स में केक बनाना हुआ तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इफ़ नॉट देन आज का बर्थडे एक नॉर्मल डे की तरह ही जाएगा। सो आज हम निकले हैं कुछ मार्केट का काम करने, आटा वगैरह लेना था। इवन हमारे नेबर में स्पार हाइपर मार्ट है, वो भी खुल गया है, बट वही है कि सब मार्केट 6 बजे तक खुली हैं एंड फिर बंद हो जाती हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हमने आटा पिक कर लिया है, हम आटा आटे की चक्की से लेते हैं। सो वो इतना टाइम तक बंद थी, अभी खुली है तो हमने आटा पिक कर लिया है। हम वो नॉर्मल पैक्ड आटा नहीं लेते हैं, आशीर्वाद वगैरह। अभी मैं इलेक्ट्रीशियन और हार्डवेयर की शॉप पे जा रही हूँ टू पिक सम थिंग्स, अगर मिल जाती हैं तो सही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, रोड पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट खुल चुका है। बैंगलोर में इतना कुछ अब नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई है। कल क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं वो अभी नहीं पता है, जब तक ये व्लॉग अप होगा आई थिंक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स हो चुकी होंगी। सो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं बैंगलोर में। अदरवाइज गौरव को 1 वीक हो चुका है ऑफिस जाते हुए। गौरव है ना, कैसा लग रहा है ऑफिस में? ऑफिस खाली खाली है, अपना जाओ और अपना आ जाओ। 6 बजे गौरव का ऑफिस बंद हो जाता है, सो ये 6:30 बजे तक घर आ जाते हैं। ऑफिस में भी अभी इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों रोका? वहाँ आगे भी तो है। ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, इवन ऑटोज वगैरह भी सब चल चुके हैं। मुझे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल काम मैंने करवाया है, आटा ले लिया बट वो भी यहीं नीचे पड़ा है बिकॉज बैग जो है पीछे डिक्की में है, सो वो जब निकलेंगे तब उसमें ये हम ट्रांसफर करेंगे। एंड मेरा नारियल आ गया, कितने दिनों के बाद मैं नारियल पी रही हूँ, फ्रेश नारियल। तो ये पान वगैरह की शॉप्स अभी तक नहीं खुली हैं, विच इज़ गुड। छोटी छोटी शॉप सब खुल चुकी हैं बट ये पान बीड़ी वाली शॉप्स अभी तक नहीं खुली हैं। रेस्टोरेंट्स भी अभी क्लोज हैं, मॉल्स भी अभी क्लोज हैं एंड ट्रैफिक फुल ऑन निकल चुका है रोड्स पे। गौरव एक बात बताओ, क्या किया ये? उससे बात खड़े खड़े बात करने में मास्क उतारा हुआ था और वो मास्क पहन लिया। अरे यार तो कोई नहीं, देखिए रति पर्दे लेके ड्राई क्लीनिंग के लिए देने जा रही है, ड्राई क्लीनिंग की दुकान भी खुल गई है। गौरव ने पता नहीं क्या कमेंट्री करी है बट मैंने पर्दे ड्राई क्लीनिंग को देने थे सो मैं देख के आई हूँ। फाइनली इतने दिनों के बाद गाड़ी 80 पे गई है। वो तो मैं रोज चला रहा हूँ। 80 पे चला रहे हो रोज? सही है यार, खाली रोड का मजा ले रहे हो। बिल्कुल लेनी चाहिए ना। अभी अब लग नहीं रहा है कि कर्नाटका में लॉकडाउन या दुकानें क्लोज होंगी, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल, सो दिस इज अ गुड साइन एक्चुअली। गाइस, कभी कोई मॉल इतना खाली देखा है? सन्नाटा छाया हुआ है बिल्कुल। जा रहे हैं स्पार कुछ थोड़ी डेली एसेंशियल्स की चीज़ें लेने एंड उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। और अभी आपने देखा कि वहाँ पे वो टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं विच इज़ नेसेसरी। सो यहाँ पे ये नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं।
वी आर एट स्पार, यहाँ स्पार में आ गए हैं। आई डोंट नो आपको सुनाई देगा नहीं दे रहा, मास्क में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मुझे राइस ब्रैन ऑयल लेना है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। कहीं कहीं जगह ऐसा भी लिखा है सिस्टम प्राइस इज द फाइनल प्राइस, कोई और प्राइसेस मेंशन नहीं है। डोसा खाना आइसक्रीम है क्या? मिल गई, डेट चेक करना एक बार उसके। सो आज की शॉपिंग हो गई है, हमने वनीला आइसक्रीम ली है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ब्राउनी केक 5 मिनट्स में, सो उसकी रेसिपी आप देखोगे। एंड मैं सबसे पहले मास्क उतारती हूँ, यार सांस ही ली जाती, पसीना देखो, माय गॉड। मेरे से मास्क में बिल्कुल भी सांस नहीं ली जाती है, ओ माय गॉड। आप लोग कैसे पहन रहे हो मास्क? आई जस्ट अवॉइड वेयरिंग अ मास्क, बस बहुत ही ज़रूरी हो तो ही पहनती हूँ। हमारा छोटा सा पिटारा शॉपिंग का। सो गाइज, ये है मेरा शॉपिंग लुक फॉर स्पार हाइपरमार्केट। गौरव ने मेरे शॉपिंग लुक पे कमेंट करा है, क्या कमेंट करा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सार्कास्टिक वे में कमेंट किया है। ओह, वो बड़ा वाला डॉगी है यार। क्यों गुर्रा रहा है ये? सो हम वापसी आ गए हैं, यहाँ पे हम सामान सारा एक ही पैक में कर रहे हैं बैग में, सो दैट यही ऊपर जाए। ये सब मैं हार्डवेयर की शॉप से लेके आई हूँ, मुझे एक DIY के लिए चाहिए था तो वो मैं लेके आई हूँ। Here I am making dosa today. यहाँ dosa है and वहाँ आलू भी बने हुए हैं। The dosa batter that I am using is by ID and यहाँ पे ये dosa batter मिलता है, mildly salted होता है और ये इडली और dosa दोनों के लिए use हो सकता है। कल सुबह का नाश्ता भी हमारे लिए यही है, because इतना सारा dosa और इडली batter पड़ा है ID का। हमने बस अभी दो दो डोसे ही खाए हैं एंड बहुत सारे आलू भी पड़े हैं, सो कल का सुबह का नाश्ता भी। आपने मुझे स्पार में राइस ब्रैन ऑयल ढूंढते देखा होगा, एक्चुअली मुझे सनफ्लावर ऑयल सूट नहीं करता बिकॉज ऑफ सम एलर्जी, सो मैं राइस ब्रैन ऑयल ही यूज़ करती हूँ। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ जिप लॉक पाउच और मैंने इसको ऐसे ही बंद करके रख दिया है विद स्पून इन साइड, सो इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा बर्तन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बैटर स्ट्रेट अवे इसके पाउच से तवे पर डाला है एंड माई डोसा इज ऑलमोस्ट रेडी। ये मैं फ्रिज में रख दूंगी, कल इसको मुझे फिनिश करना है। आईडी डोसा बैटर जो है, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, आईडी डोसा बैटर हैज़ नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो सोडा एंड द वाटर दैट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन इज RO वाटर। तो
गाइज आई एम हैविंग माई डिनर, यहाँ पे डोसा एंड आलू इज रेडी, आई एम हैविंग इट विद सम टी एंड मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है फॉर सम रीज़न. गौरव कह रहे हैं बिकॉज तूने मास्क पहना है सो इसीलिए तुझे नींद आ रही है. क्यों आ रही है गौरव नींद? गौरव की ये थ्योरी है कि मास्क पहनने से नींद आती है बिकॉज आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते जाते हो बार बार, सो आपको नींद आती है. एंड लिटरली मुझे आज नींद आ रही है, अभी 7:30 हो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है. आई थिंक मैं ये ब्लॉग एडिट करूँगी एंड बाई 9:30 और 10 आई एम गोइंग टू स्लीप, सो मैं कल सुबह जल्दी भी उठ जाऊँगी. एंड कल सुबह से हम अपना एक्सरसाइज रूटीन दोबारा रिज्यूम करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गो फॉर रनिंग. येस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. गौरव आर यू एक्साइटेड? ही इज टोटली एक्साइटेड. अभी 7:30 बज रहे हैं, हम अपना डिनर भी अभी ख़त्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन गो टू बेड बाई 10. आज मैं वो 5 मिनट क्विक ब्राउनी नहीं बनाने वाली हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड एंड मुझे ये ब्लॉग भी एडिट करना है. आई विल शेयर दैट रेसिपी इन माई सम अदर ब्लॉग, सो स्टे ट्यून. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. किचन चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अपना नाइट सूट या टी शर्ट जो भी कोई पुरानी हो वो वाली पहन लीजिए बिकॉज ये वाला तेल जो है ये दाग छोड़ता है. एंड मैं अपनी चम्पी कर रही हूँ, जिस हेयर ऑयल की मैंने आपसे बात करी थी ये वही हेयर ऑयल है. एंड मैं इसको वीक में 2 times यूज कर रही हूँ बालों पे एंड आई एम डूइंग हैवी ऑयलिंग. आपने यहाँ पे देखा है मैंने कितनी हैवी ऑयलिंग करी है, लिटरली इतनी हैवी ऑयलिंग करी है कि बालों से कुछ टाइम के बाद तेल ड्रॉप होने लगेगा. यस इतनी हैवी ऑयलिंग करी है एंड मैं वीक में 2 बार ही करती हूँ. एंड जब मैं मसाज करती हूँ तो आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप्स and not the nails like this. So ये सारा तेल मेरे यहाँ तक आ चुका है, ये आप देख रहे हो कितना हैवी ऑयलिंग करी मैंने. कल मुझे हेयर वॉश करना है और हेयर वॉश करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक स्टीम एंड स्टीम लेने के 1 घंटे बाद मैं जाके हेयर वॉश करूंगी. इमीजिएटली नहीं करना नहीं तो गर्म सर्द हो जाओगे. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.